धर्मशाला में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर घर से ही पार्टी की सेवा और संगठन के लिए कार्य करना है और घर से ही पार्टी को चलाना है। कोरोना काल में भी भाजपा ने वर्चुअल मीटिंगें की हैं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, ऐसे में सबका फर्ज है कि जनता की दुख तकलीफ को दूर करें। जनजातीय लोगों के साथ हमेशा भाजपा खड़ी रही है और इसी वर्ग की पीड़ा को भाजपा ने समझा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया था। कार्यकर्ता पार्टी का हो या जनजातीय मोर्चा का, सभी की जरूरत पड़ती है। वहां हमारा कार्यकर्ता हर जगह पहुंचता है। धर्मशाला में आयोजित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जवाहर ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित बैठक भाजपा के मिशन रिपीट के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में आगामी 6 माह का रोड मैप भी तैयार किया गया है, साथ ही किस तरह से भाजपा को पुनः सत्तासीन किया जाए और क्या योजना तैयार की जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर मोर्चा को किस तरह पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई और प्रभारी तय किए गए। उन्होंने कहा कि वन बूथ 10 ST का अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसका खाका तैयार किया गया है। बूथ स्तर पर केंद्रीय व प्रदेश स्तरीय योजनाओं को किस तरह से लाया जाए, ये योजना भी तैयार की गई। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष जवाहर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता को जब पार्टियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की जरूरत थी, उस समय विपक्ष के नेता घर में सोए हुए थे और वर्तमान में विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिसका जवाब भी सरकार द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया और वर्तमान सरकार ने क्या किया, इसके बारे में जनता को बूथ स्तर पर बताया जाएगा। उन्होंने विधायक निधि के बहाली पर कहा कि इससे विपक्ष के विधायकों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कई ऐसे छोटे काम थे जो विधायक निधि से होने चाहिए थे, जो अटके हुए थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने विधायक निधि बहाल करके सही निर्णय लिया है। पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही थी, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक संगठन था जो जब महामारी के दौर से गुजर रहे थे, फिर भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने आह्वान किया कि घर से भी पार्टी सेवा और संगठन करना है और घर से पार्टी को चलाना है। आपने देखा होगा महामारी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल बैठकें की, वर्चुअल मीटिंगें की और हर कार्यकर्ता को संदेश दिया कि पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है और हिमाचल में सत्ता में है, इसलिए हमारा फर्ज है कि लोगों के दुख दर्द में सहयोगी हो। हर चाहे जनजातीय मोर्चा का हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, हर आवश्यकता जिस कार्यकर्ता को पड़ी, जिस व्यक्ति को पड़ी, का भाजपा वहां पहुंची है। अब उस दौर से हम आगे निकले हैं तो पार्टी का जो एक निर्णय था कि भाई पार्टी को अब बाहर आके COVID-19 के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, आज भी हमने यहाँ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक छोटी बैठक की है। ये बैठक 2022 मिशन रिपीट के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। आज यहाँ पूरे 6 महीने का एक रोड मैप बना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से 2022 में सत्ता में ले आना है और उसमें जनजातीय मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में जहां हमारी समीक्षा हुई है, आगे योजना भी हुई है। और समीक्षा के नाते हम संगठन को जहां पूर्व में भी था, लेकिन उसको दोबारा से बूथ तक कैसे ले जाएं, उसकी हमारी यहां योजना हुई, प्रभारी तय हुए और बूथ तक वन बूथ 10 ST का गठन का अभियान कब इस प्रदेश में चलेगा, एक पूरा खाका तैयार हुआ है और प्रदेश और केंद्र सरकार की जो जनहितेशी नीतियां हैं और ट्राइबल की जो जनहितेशी नीतियां हैं उसको कैसे लेके जाएंगे, इसका एक खाका तैयार हुआ है। और साथ साथ में जो जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, आज विधानसभा के अंदर हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, खुद तो जब इस देश को असल में जब पार्टियों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवश्यकता थी, तब ये खुद अपने घरों में सोए रहे। आज जिस प्रकार का कुप्रचार, जिस प्रकार के मीडिया आप बंधुओं का इस्तेमाल करके एक जिस प्रकार के भ्रमक प्रचार कर रहे, उसका भी कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, इस प्रकार की योजना बनी है। तो इसको हम नीचे तक धरा तक लेके जाएंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी तय हुई है, हर व्यक्ति को जिला सौंपा गया, हर व्यक्ति को बूथ का काम सौंपा गया है, इस प्रकार की योजना आज हुई है।
बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सत्ता पक्ष में विधायक हुए हैं। ये केवल ऐसे ही हमें गर्व है कि इस प्रकार का नेतृत्व, इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमको मिले हैं कि लोगों की पीड़ा समझी, विपक्ष की भी पीड़ा समझी, सत्ता पक्ष की भी पीड़ा समझी। क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम थे जो विधायक अपने विधायक निधि से एक आम कार्यकर्ता को, आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाते थे। ये बहुत अच्छा निर्णय है, अच्छा निर्णय जयराम जी ने लिया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं और सभी विधायकों को भी बधाई देता हूं। और आशा करता हूं कि इस विधायक निधि का जो हेतु है और जिस हेतु मुख्यमंत्री जी ने इसको बहाल किया है उसका वो अक्षरशः पालन करेंगे। और मैं एक बार पुनः इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।